गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स नाव एज यूजल टूडे वी विल स्टार्ट द सेम चैप्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वॉर द नेम ऑफ द चैप्टर्स क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ओके इन प्रीवियस वीडियोज इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में रिवोल्यूशन और एग्रीकल्चर्स को देखा था उस एंड वी आर ऑल्सो भी डिस्कस अबाउट द

जो हमें रेनी के टाइम पे रेनी सीजन्स को जिसको हम लोग कॉल्ड करते हैं खरीफ क्रॉप कौन सा टाइम पे रेनी टाइम पे रबी क्रॉप होता है विंटर के टाइम पे विंटर सीजन में तो क्रॉप का जो मेनली सीजन होता है है ना तो टू मेनली सीजन ऑफ क्रॉप कितने होते हैं मेनली टू सीजन्स होते हैं क्रॉप के फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप जो बेसिकली कहाँ पे होगा रेनी रेनी सीजन्स के टाइम पे होते हैं रबी क्रॉप होते हैं जो कहाँ पे होगा विंटर के टाइम पे होता है तो जब खरीफ क्रॉप होते हैं कहाँ पर रेनी में तो विट इसका एग्जाम्पल्स हो गया है ना अब रबी क्रॉप जब विंटर में होता है है ना विंटर के टाइम में होता है तो दीज ये दोनों ही क्रॉप्स को लर्न रखना है कौन कौन से क्रॉप क्रॉप खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप कौन से क्रॉप खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप बेसिकली द टाइम एंड उनका जो रेनी होता है एंड रबी क्रॉप का जो टाइम होता है वो क्या होगा विंटर के टाइम पे होता है कहां पे होगा विंटर तो खरीफ क्रॉप रेनी टाइम्स रबी क्रॉप विंटर्स में ठीक है ये दोनों चीज क्या हो गया कंफर्म हो गया तो क्रॉप सीजन अगर आस करें तो मेनली टू क्रॉप सीजन फर्स्ट वन इज खरीफ क्रॉप सेकेंड वन इज रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप का बेसिकली टाइम क्या होता है कौन से टाइम पे होता है तो रेनी सीजन का टाइम पे होगा रबी क्रॉप क्या होगा विंटर के टाइम पे होगा है ना तो ये क्या क्लियर हो गया नाउ द वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जो वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता है है ना वेरियस एग्रीकल्चर प्रैक्टिस अब इसमें ये रहा कि ऐसा तो नहीं है कि जो हम लोग स्टार्ट किया और एग्रीकल्चर्स का प्रोडक्ट हो जा पे है ना तो जैसे अगर आपने देखा तो इट इज़ आर नॉट बी पॉसिबल कि हमने सीड्स को लाया और उसको अंदर रख दिया नहीं तो एक प्रोसेस होती है एग्रीकल्चर्स में किसी भी फूड को ग्रो करने के लिए एक पूरी एक पार्टिकुलर प्रोसेस होती है वो प्रोसेस से काम करना होता है बाद में क्या होता है कि एग्रीकल्चर्स का प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है तो इसमें जो सबसे फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है है ना तो कोई भी कोई भी फूड ग्रेन्स को उपजाने के लिए कोई भी फूड को है ना दे विल बी ग्रो एनी फूड फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या करते हैं हम लोग सबसे पहले मिट्टी को तैयार करते हैं है ना पहला काम क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी को तैयार करना नाउ सेकेंड ऑन इज होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स क्या होगा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर फिर बाद में क्या करते हैं फर्टिलाइजर्स के अंदर मैन्यूर्स को है ना और मैन्यूर्स को हम लोग किस में तो वो फील्ड के अंदर ऐड करते हैं तो पहला काम क्या करें हमने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी को तैयार कर लिया मिट्टी को तैयार करने के बाद हम लोग उसमें क्या करते हैं एडिंग मैन्यूर्स करते हैं और फर्टिलाइजर्स करते हैं ताकि उसकी मिट्टी की फर्टिलिटी रेट बढ़े और हमारा जो भी फसल है वो मोर एंड मोड़ क्या हो गए ग्रोन हो क्रॉप हो फिर थर्ड वन इज़ इरीगेशन करते हैं हम लोग है ना जो हम हमारा जो कृषि है उसको पानी देने का काम करते हैं है ना इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है तो हमने क्या किया इरीगेशन किया है ना तो पहला काम क्या हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मिट्टी को तैयार करना मिट्टी को हम लोग किस तरह से तैयार करते हैं लेवलिंग करते हैं है ना कल्टीवेटर से ठीक है होश है जस्ट लाइक आप यहाँ पे एग्जांपल देख रहे हो गया? ये प्लाउ सेफ्ट है ये प्लाउ सेफ्ट है और ये प्लाउ सार्फ है है ना ये हल है इस तरह से क्या करते हैं फार्मर इसको यहाँ पे पकड़ते हैं और फिर वो मिट्टी के अंदर डगआउट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि एक न्यू मिट्टी का वहाँ से क्या होगा फॉर्मेशन होगा तो सेम पहले सबसे फर्स्ट पहला चीज़ क्या करना है कि मिट्टी को तैयार करना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो जाएगा फिर उसके अंदर एडिंग मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स को ऐड करना है अभी हम देखेंगे एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर क्या होते हैं थर्ड वन इरीगेशन इरीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इरीगेशन नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा फसल सही तरीके से उपज नहीं होगा है ना थर्ड वन इज प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स क्या है प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यहाँ पे एक टर्म्स है वीड्स जो आपको समझने समझना पड़ेगा वीड्स का मतलब होता है अनवांटेड प्लांट अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन फ्रॉम फ्रॉम मेन क्रॉप अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन फ्रॉम मेन क्रॉप है ना जो प्लांट की अपने को जरूरत नहीं है वो प्लांट एक हमारे मेन क्रॉप के साथ जो है ना ग्रो हो जाते हैं दैट इज़ नोन एज वीड्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं वीड्स बोलते हैं तो क्या करना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स अपने को जो हमारा मेन क्रॉप है उसको वीड्स से भी बचाना है तो वीड्स का मतलब क्या होता है अनवांटेड प्लांट जो प्लांट की मुझे जरूरत नहीं है और वो विच आर ग्रो फ्रॉम अ मेन क्रॉप और वो क्या होता है कि मेन क्रॉप जस्ट लाइक हमने यहाँ पे वीट को ग्रो किया सॉइल के अंदर है ना तो वीट के साथ साथ जो अनवांटेड प्लांट जिसकी जरूरत नहीं है हमें वो ग्रो हो जाता है दैट इज नोन एज वीड्स क्या बोलते हैं उसको वीड्स बोलते हैं तो उससे हमारे मेन क्रॉप को बचाना है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स से बचाना है कभी एग्जाम में कभी कभी वीड्स का डिफाइन भी आता है तो अनवांटेड प्लांट वीच आर ग्रोन फ्रॉम मेन क्रॉप कोई ऐसी प्लांट जो मेन क्रॉप के साथ ग्रोन होते हैं दैट इज नोन एज क्या होगा वीड्स नाउ नेक्स्ट वन इज हार्वेस्टिंग

फर्टिलाइजर्स को मैन्यूल्स को है ना जो खाद हम लोग डालते हैं ताकि हमारी फसल ज़्यादा से ज़्यादा वह ग्रो हो जाए तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल फर्स्ट वन इज हम लोग उसके अंदर मैन्यूल्स और फर्टिलाइजर्स को डालते हैं फिर उसको इरीगेशंस की जरूरत होती है पानी की जरूरत होती है उसको फिर पानी की जरूरत के बाद जो अनवांटेड प्लांट है जिसको जो जो अपने को नहीं चाहिए जिसकी ये जो नहीं चाहिए जो एक्स्ट्रा प्लांट होता है उसको हम लोग वहाँ से बचाने का काम करते हैं फिर उसको हार्वेस्ट करते हैं जब वो तैयार हो जाता है तो हार्वेस्टिंग करते हैं कटाई करते हैं फिर बाद में उसको एक पार्टिकुलर प्लेस पे गोडाउन में उसका स्टोरेज कर लेते हैं तो ये एग्रीकल्चर का प्रोसेस है पहला क्या था कि प्रिपरेशन ऑफ स्वाइल मिट्टी को तैयार करना फिर मिट्टी को उपजाऊ बनाना इसको कैसे बनाएंगे अब जाओ तो मैन्यूल और फर्टिलाइजर्स को हम लोग उसके अंदर डाल लेते हैं फिर उसके अंदर हम लोग वाटर को डालते हैं मीन्स इरीगेशन करते हैं इरीगेशन करने के बाद क्या होता है कि प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स वीड्स से बचाना होता है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स का मतलब क्या होता है कि अनवांटेड प्लांट विच आर ग्रोन फ्रॉम अ मेन क्रॉप जो अनवांटेड प्लांट है जो मेन क्रॉप के साथ ग्रोन होता है उसको हम लोग वहाँ से बाहर करते हैं थर्ड वन क्या होता है हार्वेस्टिंग करते हैं मतलब उसको कटाई करते हैं जब उसका मैच्योर हो जाता है वो कोई भी ऐसी हमारा फसल कोई भी ऐसी क्रॉप लेते हैं हार्वेस्टिंग करने के बाद उसका हम लोग क्या करते हैं स्टोरेज कर लेते हैं तो दीज आर दैरियस एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस विच कैन बी इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर्स अब नाउ यहाँ पे दो एग्जाम्पल्स दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं एक प्रिपरेशन ऑफ सॉइल मीन्स ये प्लाउ शार्फ प्लाव सेफ्ट ये सब सारे क्या है एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट है ना अब यहां पे एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट में एक हमने देखा यहां पे प्लाउ सार्फ हल तो ये प्लाव सैफ्ट होता है इसको यहां पे फार्मर होल्ड करते हैं हैंड में और ये प्लाव सार्फ इसको मिट्टी के अंदर है ना तो इसमें क्या होता है कि जो मिट्टी के अंदर से जो सॉइल होता है है ना वो बाहर आता है है ना वो सॉइल विच अराउंड तो ये क्या होता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जब हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं है ना जब भी सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है है ना उसको लेवल लेवल किया जाता है कल्टिवेट किया जाता है ठीक है ना तो इस तर, वो टाइम पे हम लोग क्या करते हैं ये प्लाउ सेफ्ट का यूज़ करते हैं अब आज तो क्या हो गया टेक्नोलॉजिकल बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट हो गया है तो अब क्या है हमारा जो लेवलिंग का प्रोसेस है कल्टीवेशन का प्रोसेस है लैंड कल्टिवेशन का वो ईजी हो गया है बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ गए जिससे हम लोग ईजिली कर पाते हैं तो ये क्या था प्लाउ सेफ्ट का मतलब क्या था ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जो पहले अभी भी बहुत सारे जगह पे प्लाउ साफ्ट का यूज कहाँ पे किया जाता है तो प्रिपरेशन ऑफ स्वाइल करने में मिट्टी को तैयार करने के लिए एग्रीकल्चर्स के लिए हम लोग प्लाउ सेफ्ट का यूज करते थे एक सिकल होता है सिकल का मतलब क्या होता है कि सिकल का बेसिकली मतलब होता है द मीनिंग ऑफ द सिकल इज टू बी विच इज बेसिकली यूज इन अ हार्वेस्ट जब ये जब वैन एनी क्रॉप विच कैन बी मैच्योर्ड है ना जब क्या होता है कोई क्रॉप पार्टिकुलरली मैच्योर हो जाता है तो इन दैट पीरियड तो यू मैच्योर्ड के टाइम पे क्या करते हैं हार्वेस्ट करते हैं उसकी कटाई करते हैं कटाई करने के लिए ये शिकिल का शिकिल का वहाँ पे यूज़ होता है है ना क्या होता है शिकिल का यूज़ होता है एक थर्ड डायग्राम होता है सीड ड्रिल है ना एक सीड ड्रिल होता है सीड ड्रिल का, का काम क्या होता है कि हम लोग उसके अंदर सीड्स को रख देते हैं और एक पार्टिकुलर डिस्टेंस होता है और पार्टिकुलर डिस्टेंस से जैसे जैसे उसको हम लोग आगे की ओर करेंगे कि पार्टिकुलर डिस्टेंस पे सीड क्या होगा ज़मीन के अंदर चला जाएगा तो ये सब सारे इंस्ट्रूमेंट थे कुछ ऐसे जो एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट थे है ना प्लाउ सेप्ट हो गया सिकली हो गया इसका यूज़ हम लोग कहाँ पर करते हैं तो जब हमारा फसल हारवेस्ट हो जाता है ज, जैसे हमारी फसल हार्वेस्ट हो जाती है हार्वेस्ट के बाद जो हम लोग कटाई करते हैं वो टाइम पे सिकली से हम लोग उसको कटिंग करते हैं ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में काम आता है है ना तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अब हम लोग यहां में लॉन्ग वे देखते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है बिफोर शोइंग द क्रॉप सीड बिफोर शोइंग द क्रॉप सीड सीड डालने से पहले जो सबसे फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है दैट इज प्रिपरेशन ऑफ तो फर्स्ट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज दैट बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड द सॉइल ऑफ द फील्ड इज लूज्ड है ना बीज बोने से पहले बिफोर द सोइंग द क्रॉप सीड द सॉइल्ड मिट्टी को हम लोग क्या करते हैं शॉइल ऑफ फील्ड इज लूज ऑफ फील्ड इज लूज है ना जो भी शॉइल है शॉयल ऑफ जो फील्ड है उसको हम लोग उसके मिट्टी को हम लोग क्या, क्या करते हैं लूज करते हैं क्या करते हैं हम लोग लूज करते हैं और लूज करने का वो वो सारा क्या होता है ये प्रोसेस है द शॉइल ऑफ फील्ड इज लूज एंड ओवर टर्न ओवर टर्न का मतलब क्या होता है कि मिट्टी को एक बार ऊपर लाना फिर उसको नीचे की ओर करना ओवर टर्न करते हैं एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फील्ड तो तो होता है, है वो क्या हो जाता है लूज हो जाता है फील्ड इज लूज एंड ऑवर टर्ड और क्या होता है वो ऑवर टर्न होता है एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्लॉइंग एग्जाम में आ सकता है कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो वट इज दिन ऑफ सॉइल बिफोर सोइंग द क्रॉप सीड क्रॉप सीड के शो करने से पहले द सॉइल ऑफ फील्ड इज लूज जो भी फील्ड का सॉइल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं लूज करते हैं सॉइल ऑफ द फील्ड इज लूज सॉइल का जो फील्ड होता फील्ड में जो शॉयल होते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं लूज कर लेते हैं ताकि वहाँ पर आसानी हो कोई भी सीड्स को वहाँ पर ग्रो करना एंड ओवर टंड और जो मिट्टी होती है उसको ओवर टर्न करते हैं एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाइंग और ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं प्लॉइंग कॉल्ड करते हैं ठीक है तो हमने यहाँ पर देखा कि जो एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस को देखा पहला क्या देखा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एडिंग एंड फर्टिलाइजर्स इरीगेशन प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स हार्वेस्टिंग स्टोरेज है ना तो दीज आर द वेरियस एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस दीज आर द वेरियस एग्रीकल्चर्स प्रैक्टिस विच कैन बी इन्वॉल्व इन अ एग्रीकल्चर्स जो क्या होते हैं बेसिकली एग्रीकल्चर्स में ये सारे प्रोसेस क्या होते हैं इन्वॉल्व होते हैं ओके नाउ द सेकेंड method of the adding manure and fertilizers of agriculture what second methods of that is adding manure and fertilizers. okay. so first of all we are going to be know about the, about the so, all, know some things about the manure and fertilizers. so सबसे पहले हम लोग क्या है थोड़ा सा manures के बारे में study करेंगे. तो सबसे पहले यहाँ concept आता है कि ये organic होता है. manures organic. तो what the meaning of the organic? which is often from nature. जो कहाँ से? तो nature से often होता हो. तो मैन्यूस मीन मैन्यू विच इज ऑप्टन फ्रॉम नेचर जो कहां से तो नेचर से ऑप्टन होता हो दैट इज नोन एज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स विच इज इनऑर्गेनिक तो वॉट द मीनिंग ऑफ इनऑर्गेनिक विच इज मेड बाय मेड फ्रॉम केमिकल कहां से जो केमिकल से फॉर्म होता हो एंड विच इज मेड फ्रॉम नेचर और ये मैन्यूज कहां से तो नेचर से तो यह एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट लर्न रखना है मैन्योर रिलेशन कहा से नेचर फर्टिलाइजर केमिकल बस तो ये आपका ऑर्गेनिक बार इनऑर्गेनिक बार आप मिस करोगे बार बार आपके बाइंड को कंफ्यूज करेगा तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा ईजिली क्या है ऑर्गेनिक है, है तो ऑपरेंट फ्रॉम नेचर्स फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक है ऑपरेंट फ्रॉम केमिकल्स कंप्लीट नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ मैन्य अब हम लोग क्या करेंगे मैन्यूर्स के टाइप के बारे में स्टडी करेंगे अभी तक हमने क्या एक मैन्यर तो हमने बस स्टडी किया था कि एडिंग एंड फर्टिलाइजर्स होता है इससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ती है तो नाउ फार्म मैन्यूर्स है ना फार्मार्ड हो गया कंपोस्ट हो गया ग्रीन मैन्यूर हो गया दीज आर द टाइप्स ऑफ मैन्यूर ये सारे क्या है मैन्यूर्स के टाइप्स हैं इसको हम लोग वन बाय स्टडी करेंगे कि वॉट द मीनिंग ऑफ द कंपोस्ट ग्रीन है ना तो दीज आर द मैन्यूर्स विच कैन बी है ना कैन बी रीड वन बाय वन सारे को हम लोग वन बाई वन क्या करेंगे यहाँ पे स्टडी करेंगे डिस्कस करते हैं तो फर्स्ट वन इस है फार्मार्ड हो गया सेकेंड वन क्या हो गया कंपोस्ट हो गया थर्ड वन क्या हो गया ग्रीन मनीर हो गया तो पहला क्या फार्म यार्ड तो इट कंसिस्ट इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग यूरिन रिमेन प्लांट स्ट्रॉ एटसेट्रा अब क्या होता है फार्म यार्ड के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर काउ का डंग होता है काउ डंग होगा मीन्स कैटल का डंग ले लो कैटल डंग मतलब में तो एग्जाम्पल मैंने बताया यूरिन होती है रिमेन प्लांट स्ट्रॉ वगैरह होता है है ना जो सॉइल के अंदर नहीं मिक्स नहीं होते एटसेट्रा दीज ऑल आर मिक्स सब सारे को एक साथ हम लोग क्या करते हैं मिक्स करते हैं एंड अलाउड टू ड्राई और ड्राई करने के बाद वो क्या होता है एक मैंडुल का फॉर्म लेता है तो क्या लर्न क्या रखना है फार्म यार्ड में इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग यूरिन एंड रिमेन प्लांट स्ट्रॉ रिमेन प्लांट स्ट्रॉ थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा ऐसी प्लांट जो हार्वेस्टिंग करने के बाद फूड ग्रेन्स को वहां से निकालने के बाद जो आ, क्या होते हैं जो भी पार्ट्स प्लांट के बच जाते हैं कि कोई यूजेस नहीं होते दैट इज नोन एज प्लांट स्ट्रॉ तो क्या देखा हमने फार्म यार्ड में इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग इट कंसिस्ट ऑफ कैटल डंग यूरिन रिमेन प्लांट स्ट्रॉ एटसेट्रा दीज ऑल आर मिक्स एंड अलाउड टू ड्राई ये सारे को मिक्स करके जो हम इसको ड्राई करते हैं दैट इज नोन एज द फार्म यार्ड वो क्या होता है फार्म यार्ड में आता है नेक्स्ट वन इज कम्पोस्ट सेकेंड वन क्या है कंपोस्ट तो वॉट इज द मीनिंग ऑफ कंपोस्ट इट इज ऑफटेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन कहाँ से ऑप्टन होते हैं इट इज ऑफटेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स डेड प्लांट एंड एनिमल्स कहां से तो डेड प्लांट और एनिमल से जो ऑप्टेन होते हैं मीन्स इट इज ऑप्टेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल्स वाटर

दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन तो पहला मीनिंग क्या हो गया डिकम्पोजिशन कम्पोस्ट का इट इज ऑफटेन फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल डेड प्लांट एंड एनिमल्स वॉटर्स वाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन ये प्रोसेस को हम लोग क्या कॉल करते हैं डिकम्पोजिशन कॉल करते हैं जहाँ से डेड और एनिमल्स है ना डेड एनिमल्स और प्लांट को हम लोग कंप्लीटली मिक्स करते हैं दीज आर द टाइप्स ऑफ मैन्योर ये सारे क्या है मैन्योर के टाइप्स है नाउ नेक्स्ट वन इज ग्रीन मैन्योर अब ये ग्रीन मैन्यूर क्या होता है तो ग्रीन मैन्यर कंसिस्ट जो ग्रीन मैन्यर होगा ग्रीन मैन्यर कंसिस्ट क्या करेगा ग्रीन प्लांट को कंसिस्ट करता है किसको कंसिस्ट करता है ग्रीन प्लांट को तो ग्रीन मैन्यर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट व्हिच आर प्लाउड अलोंग विद द सॉइल जो हम लोग सॉइल के साथ मिट्टी के साथ उसको प्लाइंग करते है, है तो soil, हैं है ना तो ग्रीन मैन्यर कंसिस्ट ऑफ ग्रीन प्लांट विच आर प्लाउड एलोंग विद द सॉइल जनरली लैगमीनियस प्लांट जनरली क्या होता लगभग

के साथ साथ उसको प्लाइंग किया जा रहा है ग्रीन मैन्यूर जनरली लैगविनस प्लांट जो होता है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है ओके तो हमने यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैन्यूर को देखा एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू भी डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स ओके थैंक यू